चैनल एक्सक्यूजल प्लीज़ और ये है अरुणिमा और इसका चैनल है अरुणिमा देस yes, तो आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले तो और हम लोग हैं इस एयरपोर्ट पे विच इज़ इन चकुलिया झारखंड और यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक्चुअली यहाँ पे लैंड करते थे फ्लाइट्स टेक ऑफ करते थे एंड उसके बाद या उसके पहले ये यूज़ नहीं हुआ एंड एक फॉरेनर ब्रिटिशर ने इसे बिल्ड किया था एंड सारी डिटेल्स मैं आपको इस ब्लॉग के साथ साथ दूँगी तो आप कुछ बोलना चाहेंगी तो चलिए आप ब्लॉग देखिए हमने कुछ कल ये है हमने ये छोटे छोटे पत्थर कलेक्ट किए बड़े बड़े भी किए तो चलो हम उधर का ब्लॉग शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध में चार भागों में अपनी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें उसके मित्र राष्ट्र भी शामिल थे पहला था यूरोपियन क्षेत्र दूसरा भूमध्य क्षेत्र तीसरा प्रशांतीय क्षेत्र और चौथा चीन बर्मा क्षेत्र और भारत भी इसी चीन बर्मा क्षेत्र के कारण ही विश्व युद्ध के संपर्क में आया था धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट थ्री से कुछ ही दूरी पर स्थित है जबकि वहां से बीस पच्चीस किलोमीटर दूर चकुलिया एयरपोर्ट है जिसके चारों ओर आज भी बीहड़ जंगल मौजूद है और आज हम लोग इसी चकुलिया एयरपोर्ट पर हैं चकुलिया का रनवे भी काफ़ी लंबा है दुर्गम भी है और अंग्रेज़ों ने इसे गुप्त रखा था जबकि धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट आसानी से पहुंचा जा सकता था धाल भूमगढ़ से चकुलिया तक का सड़क मार्ग काफ़ी ख़राब और पथरीला है जिसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर है चकुलिया एयरपोर्ट जमशेदपुर शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर महुआ बेड़ा में स्थित है यह एयरपोर्ट लगभग 525 एकड़ में फैला हुआ है एयरपोर्ट का रनवे ढाई किलोमीटर लंबा है वर्ल्ड वॉर टू के समय बम्बारी करने वाले विमान यहां से उड़ान भरा करते थे वर्ल्ड वॉर टू के समय इसका इस्तेमाल ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ने बर्मा थाईलैंड और जापान पर हमला करने के लिए एवन चीन के इलाके में सामान पहुंचाने के लिए किया इस एयरपोर्ट को मुख्य रूप से अमेरिकी युद्धक विमान कॉन्सोलिडेटेड बी ट्वेंटी फोर लिबरेटर के लिए डिज़ाइन किया गया था यह विमान बम्बारी में माहिर थी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना के बम्बार्डमेंट ग्रुप द्वारा किया जाता था जो यहां से विमान उड़ाकर बर्मा में पुल रोड रेलवे लाइन पर बम गिराते थे ताकि जापान सेना को मदद पहुंचने में देर हो सके ब्रिटिश सेना द्वारा 1945 में आखिरी बार इसका इस्तेमाल किया गया था आज भी यहाँ पर हथियार रखे जाने वाले गोदाम के अवशेष मौजूद हैं इसके बाद साल उन्नीस में चीन के साथ हुए युद्ध और उन्नीस में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पाकिस्तान से हुए युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया था साल 2006 में इसे नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया इसके बाद साल 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने झारखंड सरकार से इस एयरपोर्ट को अधिग्रहण कर विकसित करने की मंजूरी मांगी थी चकुलिया एयरपोर्ट का निर्माण ब्रिटिश ठेकेदार दास एंड मोहंती कंस्ट्रक्शन द्वारा सन 1942 में किया गया था शुरुआत में इसे अमेरिकी वायुसेना को दिया गया जिन्होंने अमेरिका के कंसास से सात समंदर पार कर युद्ध सामग्री यहां तक लाया 1944 के उस दौर में इस रनवे की स्थिति काफ़ी बदतर थी इसे भिन्न भिन्न समय में अनेक बम और हवाई हमलों का मुख्यालय घोषित किया गया इस रनवे से मुख्यतः बी29 नामक लड़ाकू विमानें उड़ान भरा करती थी जो बर्मा के अंदर घुसती हुई जापानी सेना को रोकने और उनको तहस नहस करने के लिए बनी थी उस समय दक्षिणी चीन सागर में भी जापानियों द्वारा कब्जा करने के कारण उनके ऊपर से उड़ान भरना जोखिम भरा था इसलिए बी29 विमानों को हिमालय के पूर्वोत्तर हिस्से के ऊपर काफ़ी दुर्गम हवाई मार्ग से गुजरना पड़ता था ये पहले चीन में उतरकर कुछ युद्ध सामग्री पहुंचाते थे फिर चीनी एयरबेसों से ही जापानियों पर हमला किए जाते थे इन बी ट्वेंटी नाइन विमानों को बाद में मोरियाना ले जाया गया जहां से अमेरिका ने बाद में जापान पर परमाणु बम गिराए थे इन सबसे जाहिर होता है कि झारखंड के ये पुराने एयरबेस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं फिर भी लोग इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं आज इनका उपयोग नहीं होता है और इन पर पेड़ भी उग आए हैं कभी कभी लोगों को उन रनवे में मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देखा जा सकता है जमशेदपुर में आज के समय कोई बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है लेकिन चकुलिया एयरपोर्ट को ही कभी कभी भविष्य में फिर से चालू करने के कयास लगाए जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए भी ट्रेन या निजी वाहन के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है धाल भूमगढ़ रेलवे स्टेशन और चकुलिया रेलवे स्टेशन दोनों ही टाटा हावड़ा रेलवे मार्ग में स्थित हैं। जब मैं चकुलिया गई तो हम लोगों ने भी सोचा चलो आज चकुलिया एयरपोर्ट घूम कर आए सोचिए यहाँ लोग एक जनवरी को या स्पेशल ओकेजन्स पर पिकनिक मनाने आया करते हैं किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि झारखंड का भला विश्व युद्ध के साथ क्या संबंध हो सकता है हम सब यह जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत भी युद्ध से अछूता नहीं था और पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में उसके सबूत आज भी मौजूद हैं दरअसल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले में जमशेदपुर से क्रमशः सौ एवं साठ किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में चकोलिया, जहां मैं आज हूं, और धाल भूमगढ़ जहां मैं आपको बहुत जल्दी लेके जाऊँगी ये दो पुराने ब्रिटिश कालीन एयरपोर्ट आज भी लगभग सही सलामत अवस्था में हैं लेकिन उपयोग में नहीं हैं इनके रनवे पर डाले गए अलकतरे या पिच के कुछ अंश देखे जा सकते हैं ऐसे ही दो और एयरपोर्ट इनके आसपास भी हैं लेकिन वे पश्चिम बंगाल के झारग्राम के दूधकुंडी तथा खड़गपुर के कलाईकुंडा में स्थित हैं सिर्फ कलाईकुंडा एयरपोर्ट ही फिलहाल इस्तेमाल में है वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक में कई हवाई एवं स्थलीय सर्वेक्षण भी हुए समय समय पर चकुलिया एयरपोर्ट को कार्गो हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की भी योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई लेकिन तकनीकी एवं अन्य कारणों से यह योजना मुकाम तक नहीं पहुंच पाई वर्ष 2017 में 20 हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए सर्वेक्षण हुआ लेकिन अंततः इसके जगह पर धाल भूमगढ़ स्थित हवाई अड्डे को चालू करने की योजना बनी थी दुर्भाग्यवश वह भी चालू नहीं हो सकी वहां के आसपास के ग्रामीणों के विरोध के कारण हवाई अड्डे का निर्माण अधर में लटक गया है वर्तमान में इस हवाई अड्डे में कुल तीन एकड़ जमीन अब भी झारखंड सरकार के अधीन है जबकि 200 एकड़ में गांव आदि बस चुके हैं विशेषज्ञों के मुताबिक इस हवाई अड्डे से अब भी एक साथ चार से पांच लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं मिला जुला कर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी हवाई अड्डा आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है फिलहाल इस हवाई अड्डे को एक भूभाग पर बना मुख्य रनवे पट्टी इसकी विशालता को बयां कर रहा है